गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि यदि शॉर्ट वर्किंग हो रही है और जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हो रही है उसी वर्ष क्या किया जा रहा है, उसके लिए प्रोविज़न आयोजन बनाया जा रहा है कि शॉर्ट वर्किंग को जब कभी भी एक्सेस वर्किंग होगी उससे रिकूप कर लिया जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग करेंगे। प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग के लिए जब भी किसी लेसी को कोई शॉर्ट वर्किंग होती है तो उसके लिए क्या करेगा, वह P&L अकाउंट से एंट्री बना लेगा और P&L अकाउंट को डेबिट करते हुए प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग का खाता क्रेडिट करेगा। इसके पश्चात जब उसके शॉर्ट वर्किंग वसूल होगी अर्थात जब एक्सेस वर्किंग होगी तब वह इस एंट्री को बनाएगा, प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और जब ये शॉर्ट वर्किंग हमें अपलिखित करनी होगी तब इसे प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग के खाते को हमें शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना। इसके संबंध में एक PDF मैंने डाला है जो एंट्रीज को बता रहा है और किस स्थिति के अंदर हमें ये प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खोलना है। आइए स्टूडेंट्स, अब इसके संबंध में हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। मधुर ने कक्कड़ एंड कंपनी से एक खान 1 जनवरी 2015 को पट्टे पर ली। वह प्रथम वर्ष में 20,000 रुपये न्यूनतम किराया देगा जो प्रतिवर्ष 3,000 रुपये से बढ़ता जाएगा जब तक कि वह 30,000 रुपये वार्षिक नहीं पहुंच जाए। अधिकार शुल्क 10 रुपये प्रति टन की दर से दिए होगा एवं लघु कार्य राशि को वसूल करने का अधिकार किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि के अगले 2 वर्षों में होगा। हड़ताल की दशा में यदि वास्तविक अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम रहता है तो यह किराए संबंधी समस्त दायित्वों का निष्पादन करेगा। प्रथम 5 वर्षों का उत्पादन हमें दिया रखा है, उत्पादन टन्स में दे रखा है, 2015 में 1500 टन, 2016 में 1900 टन, 2017 में 2450 टन, 2018 में 3200 टन और 2019 हड़ताल वाला ईयर है, इस वर्ष हमें 3000 टन का जो है प्रोडक्शन दे रखा है। इस तरह से देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमें कहा गया है कि 20,000 रुपये हमारा मिनिमम रेंट है जो प्रतिवर्ष 3,000 से बढ़ता जाएगा जब तक कि वह 30,000 नहीं पहुँच जाएगा। रॉयल्टी की हमें गणना करनी पड़ेगी। रॉयल्टी की गणना करने के लिए जो उत्पादन हमें टनों में दे रखा है उसको हम 10 रुपये प्रति टन से मल्टीप्लाई करेंगे और हम रॉयल्टी की गणना कर लेंगे। लघु कार्य राशि होने की कंडीशन में हमें कहा गया कि किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को अगले 2 वर्षों में जो है वो वसूल करने का अधिकार होगा। हड़ताल की दशा में यदि वास्तविक अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम रहता है तो ये किराए संबंधी समस्त दायित्वों का निष्पादन करेगा अर्थात उसे ही जो है हमें मिनिमम रेंट मानना होगा। इस प्रकार से हमें मधुर की पुस्तकों में जो है ये खाते हमें खोलने हैं, अधिकार शुल्क खाता, लघु कार्य राशि खाता, लघु कार्य प्रोविज़न का खाता और कक्कड़ एंड कंपनी का खाता हमें इसके अंदर खोलना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार से हम जो है एनालिटिकल टेबल को बनाएंगे। जो अभी तक हमने परफॉर्मा एनालिटिकल टेबल का देखा है हम उसी प्रकार से ये टेबल को बनाएंगे। ईयर, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, अनरिकूप, एक्चुअल पेमेंट और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर एक्चुअल रॉयल्टी की गणना करनी है। 2015 के अंदर हमारा उत्पादन 1500 टन हुआ, 10 रुपये प्रति टन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी हमारी 15,000, मिनिमम रेंट इस वर्ष हमारा 20,000 है। इस तरह से क्या हो गया, हमारी शॉर्ट वर्किंग हो गई है क्योंकि हमारा मिनिमम रेंट ज़्यादा और एक्चुअल रॉयल्टी हमारी कम है, तो ये आ गया -5,000। रिकूप नील है, अनरिकूप नील है, एक्चुअल पेमेंट हम 20,000 का करेंगे और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 5,000 हम आगे ले जाएंगे। 2016 के अंदर हमारा उत्पादन 1900 टन हुआ, 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, 19,000 हो जाएगा, मिनिमम रेंट 23,000 है, शॉर्ट वर्किंग जो है हमारी वो 4,000 की हुई है इस वर्ष, रिकूप नील, अनरिकूप नील और एक्चुअल पेमेंट मिनिमम रेंट जितना है हमारा 23,000 का उतना कर देंगे और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग पिछले साल का 5,000 और इस साल की 4,000 दोनों मिलकर आगे चला जाएगा, 9,000 का हम बैलेंस आगे ले जाएंगे। 2017 के अंदर हमारा प्रोडक्शन 2450 टन हुआ, 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,500 हो जाएगा, मिनिमम रेंट बढ़कर हमारा 26,000 हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग जो है इस साल हमारी वापस से हो रही है, 1500 रुपये की शॉर्ट वर्किंग हो गई है,
प्रिकूब हमारा कुछ नहीं होगा। अब देखिएगा जो 2015 की शॉर्ट वर्किंग हमारी 5000 की हुई है, उसके अगले 2 वर्ष हमारे यहीं पे पूरे हैं। 2015 की शॉर्ट वर्किंग जो कि 5000 की है, उसके अगले 2 वर्ष हमारे यहीं पूरे हो रहे हैं। अतः हमें उस 5000 को अभी इस वर्ष जो है अनरिकूप के अंदर डाल देना है। एक्चुअल पेमेंट हमारा 26000 का हो जाएगा और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 5500 का, 4000 2016 की और 1500 2017 का, दोनों मिलकर हमारा आगे चला जाएगा ये 5500। 2018 के अंदर 3200 टन का हुआ है हमारा एक उत्पादन, 10 रुपये से हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी 32000, मिनिमम रेंट है हमारा 29000 का, जो कि 3000 से बढ़कर आ जाएगा हमारा। इस साल हमारी एक्सेस वर्किंग हो गई 3000। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो 2016 की शॉर्ट वर्किंग थी हमारी 4000 की, उस 4000 में से हम कितना वसूल कर लेंगे, 3000 को हम वसूल करेंगे और 1000 हमारी अनरिकूप में चला जाएगा क्योंकि अगले 2 वर्ष यहीं पर पूरे हो रहे हैं, इसलिए अब हम इसको बैलेंस को आगे नहीं ले जा सकते। एक्चुअल पेमेंट हमारा 29000 का हो जाएगा और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग जो कि हमारा 2017 की शॉर्ट वर्किंग आई है 1500, वो आगे चली जाएगी। 2019 के अंदर जो है वो हमारा उत्पादन इसके अंदर हो रहा है 3000 टन का, 3000 टन का उत्पादन हो रहा है, एक्चुअल रॉयल्टी बन गई हमारी 30000। जो एक्चुअल रॉयल्टी बन रही वही हमारा क्या रहेगा, मिनिमम रेंट रहेगा, तो मिनिमम रेंट कितना रहेगा हमारा 30000 रहेगा। यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्किंग एक्सेस वर्किंग नहीं है तो नील हो जाएगा, रिकूप कुछ भी नहीं कर सकते तो नील रहेगा। और जो 2017 की शॉर्ट वर्किंग है वो 1500 रुपये, उसके अगले 2 वर्ष हमारे यहीं पूरे हो रहे हैं, हम उसको रिकूप नहीं कर सकें तो उसको अनरिकूप में डालेंगे, 1500 रुपये अनरिकूप में चले जाएंगे, एक्चुअल पेमेंट हमारा 30000 का हो जाएगा और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग नील जो है वो हमारी आगे नील जो है वो रहेगा। इस प्रकार से कोई शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस हम आगे नहीं लेके जाएंगे। स्टूडेंट्स इस प्रकार से देखिएगा हमने ये एनालिटिकल टेबल बनाई है। एनालिटिकल टेबल को बनाने के बाद अब आइए देखते हैं हम रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट जैसा अभी तक हम बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। डेबिट साइड में एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट को दिखाना है, क्रेडिट साइड में बाय पी एंड एल अकाउंट का करना है, अमाउंट के कॉलम में जो हमारा एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट है उसी को हमें दिखाना है और इस तरह से सिंपल सा एक रॉयल्टी अकाउंट अपने को तैयार करने है। तो डेबिट साइड में 2015 के अंदर टू कक्कड़ एंड कंपनी 15000 की रॉयल्टी बाय पी एंड एल 15000, 2016 के अंदर टू कक्कड़ एंड कंपनी 19000 की रॉयल्टी बाय पी एंड एल 19000, 2017 के अंदर टू कक्कड़ एंड कंपनी 24500 बाय पी एंड एल 24500, 31 दिसंबर 2018 को कक्कड़ एंड कंपनी 32000 बाय पी एंड एल 32000 और 2019 के अंदर कक्कड़ एंड कंपनी 30000 और बाय पी एंड एल 30000। तो इस प्रकार से देखा है स्टूडेंट रॉयल्टी अकाउंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट साइड में हमें लैंडलॉर्ड का खाता एक करना और क्रेडिट साइड में हमें बाय पी एंड एल को करना और अमाउंट के कॉलम में हमें एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट को लेना। अब इसके बाद में देखेंगे हम लैंडलॉर्ड कक्कड़ एंड कंपनी का खाता। कक्कड़ एंड कंपनी के खाते में देखिएगा पहले वर्ष में हमारी रॉयल्टी हुई है 15000 की, तो बाय रॉयल्टी 15000, बाय शॉर्ट वर्किंग 5000 की और टू बैंक हो जाएगा 20000 का। दूसरे साल में हमारी रॉयल्टी बनी है 19000 की, तो बाय रॉयल्टी 19000, बाय शॉर्ट वर्किंग 4000, बैंक हो जाएगा हमारा 23000 का। 2017 के अंदर बाय रॉयल्टी 24500, बाय शॉर्ट वर्किंग 1500, टू बैंक 26000 का हो जाएगा। 2018 के अंदर बाय रॉयल्टी है 32000 की, हमने इसके अंदर रिकूप कर लिया 3000 का, तो टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो गई 3000 और टू बैंक हो जाएगा 29000 का। 2019 के अंदर बाय रॉयल्टी 30000 की और टू बैंक हो जाएगा हमारा 30000 का। तो इस प्रकार से जैसे अभी तक हम बनाते आए लैंडलॉर्ड का खाता वैसे ही हमारा लैंडलॉर्ड का खाता बन जाएगा। इसके पश्चात अब हम बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के अंदर देखिएगा पहले साल के अंदर जो है हमारी 5000 की जो है वो शॉर्ट वर्किंग हुई है, 5000 की जो है हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो हम कर देंगे यहाँ पे टू कक्कड़ एंड कंपनी 5000 और बैलेंस सीडी चला जाएगा ये 5000 रुपये आगे चला जाएगा। टू बैलेंस बीडी 5000 का आ गया आगे, टू कक्कड़ एंड कंपनी 4000 का हो गया, बाय बैलेंस सीडी 9000 का जो है ये बैलेंस हमारा आगे चला जाएगा। इसके पश्चात देखिएगा हमारा 9000 का बैलेंस आगे लेके आए हैं। 31 दिसंबर को फिर हमारी जो है 17 में 1500 की शॉर्ट वर्किंग हो गई है, 1500 की हम शॉर्ट वर्क दिखा देंगे। अब हमारी क्या हो रही है ये शॉर्ट वर्किंग जो है हम कितना जो है रिकूप नहीं कर पा रहे, 5000 हम रिकूप नहीं कर पा रहे,
तो हम जो है बाय प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग जो है वो कर देंगे इसके अंदर 5,000। जिस साल हमारे शॉर्ट वर्किंग को हम रिकूप नहीं कर पा रहे हैं उस साल क्या करेंगे हम, बाय प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। फिर कर देंगे हम बाय बैलेंस सीडी 5,500 का, जो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग एनालिटिकल टेबल को देखिएगा उसके अंदर अपन आगे लेकर आ जाएंगे। 2018 के अंदर बैलेंस आगे आ जाएगा 5,500 का। हम कितना वसूल कर रहे हैं इस साल 2018 में, 3,000 वसूल हो रही है, तो बाय कक्कड़ एंड कंपनी 3,000, बाय प्रोविज़न ऑफ और शॉर्ट वर्किंग जो कि वसूल नहीं हो रही है हमारी शॉर्ट वर्किंग जिसको अनरिकूपमेंट डाल रखा 1,000, और बाय बैलेंस सी डी 1,500 आगे चला जाएगा। इसके पश्चात टू बैलेंस बी डी 1,500 रुपये, और चूँकि ये वापस से हमारी अनरिकूप हुई है तो बाय प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,500 कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा स्टूडेंट, जो हमारी अनरिकूप हो रही थी उस वर्ष हमने इसको किस में ट्रांसफ़र करा है, प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग के खाते में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। कौन सा खाता खोला है, प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कब खोला हमने, जिस वर्ष हमारी शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप हो रही है उस वर्ष हमने इस खाते को खोल दिया है। अब इसके बाद बनाएंगे हम स्टूडेंट प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के अंदर देखिएगा, चूँकि हम ये खाते को ओपन कर रहे हैं पीएनडल की सहायता से ओपन कर रहे हैं, हमारी जो एंट्री बन रही है देखिएगा वो फर्स्ट एंट्री हम इसी तरह से बना रहे हैं पीएनडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न। तो हम क्या करेंगे, प्रोविज़न के खाते में बाय पीएनडल अकाउंट 5,000 और टू बैलेंस सीडी 5,000 चल जाएगा आगे। 5,000 का बैलेंस आ गया, दूसरे वर्ष वापस से शॉर्ट वर्किंग होगी हमारी, तो बाय पीएनडल हो गया 4,000 का हमारा और टू बैलेंस सीडी हो गया 9,000 का। 9,000 का बैलेंस हमारे आगे आ गया है तो बाय बैलेंस वीडियो हो गया 9,000। इस वर्ष जो है हमारी वापस से शॉर्ट वर्किंग हुई है 1,500 की, तो 1,500 की शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी, और हमने 5,000 की शॉर्ट वर्किंग जो है यहाँ पे अनरिकूप करी है, तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो है वो 5,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और बैलेंस सीडी हो जाएगा हमारा 5,500 का। जो हमारी कब हो रही है, राइट ऑफ हो रही है 5,000 की, वो 5,000 हमने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया है। बाय बैलेंस बीडी 2018 में हम आगे लेके आ जाएंगे 5,500 का, हम आगे लेके आएंगे। इस वर्ष जो है देखिएगा हमारी 3,000 की हमने रिकूप कर लिया है, तो टू पी एंडल 3,000 चला जाएगा। हम जो अनरिकूप कर रहे हैं उसको शॉर्ट वर्किंग में राइट ऑफ कर देंगे, तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो जाएगा और टू बैलेंस सीडी 1,500 आगे आ जाएगा। बाय बैलेंस बीडी 2019 के अंदर हम आगे लेके आ जाएंगे 1,500 रुपये, और टू शॉर्ट वर्किंग चूँकि ये हमारी वापस से अनरिकूप हो रही है 2019 में, तो हम इसको जो है वो शॉर्ट वर्किंग के खाते में डालकर और राइट ऑफ कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को आपने देखा कि जिस वर्ष हमारी जो है वो हमारी शॉर्ट वर्किंग क्या हुई है, रिकूप हमारी अनरिकूप हो रही है, पहले साल में हमने उससे पी एंडल की सहायता से उसको खाता खोला, जब हमारी रिकूप हो रही है तब हमने खाते को जो है इसके अंदर डेबिट कर दिया है, और उसके पश्चात हम क्या कर रहे हैं देखिएगा स्टूडेंट, जिस साल हमारी शॉर्ट वर्किंग वापस से क्या हो रही है, अनरिकूप हो रही है, उस साल हम क्या कर रहे हैं इसको शॉर्ट वर्किंग में ले जाकर राइट ऑफ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग का खाता, यदि हमें कहा जाता है प्रश्न में बनाने के लिए, उसी कंडीशन में इस खाते को बनाया जाएगा, और हम इस प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग के खाते को जो है वो हम तैयार करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।